करता हूँ। LIC ऑफिस से शुरू करके पूरा बाजार चंबा हाट कड़े कथेड़ बाईपास से होते हुए चंबा हाट बीच बाजार में होकर जो है हम ओजघाट तक गए। इस रैली में हमें बहुत ज़्यादा भरपूर समर्थन मिला है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है लोगों का जनसैलाब उबड़ा हुआ था, गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी और जगह जगह से जहाँ भी लोग हमारी देख रहे थे वो हमारी वीडियोज़ और हमारी पिक्स अपने घरों से छतों से ले रहे थे। उससे लग रहा है कि ये संकल्प हर आदमी ने अपने मन में ले लिया है, हर आदमी अपने मन में संकल्प लेकर है कि अब आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में स्थापित करना है और जो है अगले इलेक्शन में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और जो है जो जन विरोधी नीतियां हैं इसका अंत होगा और एक जन कल्याणकारी सरकार का निर्माण हिमाचल प्रदेश में जल्द ही होने वाला है। और इसके साथ ही आज बहुत से लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, जिनमें कि नगर निगम में कांग्रेस को यहाँ पे जिता के आपने भेजा है, तो इन लोगों के कार्य प्रणाली पे भी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इन लोगों ने हमारे से इतने झूठे वादे किए, अब ये जनता को कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आने दो, अगर इनकी सरकार नहीं आती है तो आप लोग रिज़ाइन दो, आप लोग काम नहीं कर सकते। यहाँ सोलन हॉस्पिटल में आपके सामने एक्सरे मशीन का जो मुद्दा उठ रहा है, इसमें कांग्रेस बीजेपी की दोनों की ही मिली भगत है। हमारे विधायक भी यहाँ से सो रहे थे और हमारे यहाँ से मंत्री भी, स्वास्थ्य मंत्री भी जो कि सोलन से है, इन लोगों को दिल्ली और पंजाब के स्वास्थ्य से आप कुछ देखना, मोहल्ला क्लिनिक और हमारा पिंड क्लिनिक से इनको सीखने की ज़रूरत है कि हमारे हॉस्पिटल के हाल देखो, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, इन लोगों ने इसको एक गढ़ बना दिया है भ्रष्टाचार का। और कांग्रेस बीजेपी एक मिली भगत कर रही है। यहाँ नगर निगम में भी अगर ये कहते थे कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है तो कहाँ है वो भ्रष्टाचार, वो आज ये सामने क्यों नहीं लाते हैं? वो इसलिए नहीं लाते क्योंकि ये लोग भी अब उसी में सिमिलेट हो चुके हैं और आने वाले टाइम में इन लोगों ने यहाँ पे किसी भी तरीके का विकास कांग्रेस ने नहीं किया है, ना तो इनका पानी का मुद्दा वो है, सफाई में ये लोग फेल है, ठीक है, और इन लोगों के पास ना तो बजट का, ये रोने रो रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते अगर आप लोगों के पास बजट नहीं है? और अगर इनका कहना है कि सरकार अगर हमारी आती है तो बजट आएगा, अगर आप लोगों की सरकार ही नहीं आती तो आप रिज़ाइन देंगे क्या? आप इस बात को लिख के दो। और हम ये चीज़ कह रहे हैं कि सोलन में कांग्रेस को भी लोग देख चुके हैं और बीजेपी को भी, आने वाला समय अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी का है, ये यहाँ की सोलन की जनता इन पे झाड़ू चढ़ाने को पूरी पूरी तैयार है।